हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, वो भी गाजर वाली, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। पहले तो ये ज़्यादातर विंटर में ही बनाते थे, क्योंकि जो गाजर है वो विंटर में ही हमें मिलती थी। लेकिन अब आप इसे किसी भी मौसम में बना सकते हैं, क्योंकि गाजर हमें मोस्टली मिल ही जाती है अब समर में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी, गाजर वाली कढ़ी। तो हम सबसे पहले ले लेंगे कढ़ाई। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मेरे पास थोड़ा सा यूज़ किया हुआ मस्टर्ड ऑयल रखा था, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, और इसमें मैं डाल दूँगी जीरा, थोड़े से मेथी के दाने और 2 सूखी मिर्च। और जैसे ही वो अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर गार्लिक, जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ था, और एक अनियन। वो जैसे ही थोड़ा सा गार्लिक कुक हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें अनियन डाल देंगे। यहाँ पे मैं एक अनियन मैंने चॉप किया हुआ है, तो बस मैं वही इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे, जब तक हमारा अनियन है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, हमें तब तक इसे पकाना है। तो यहाँ पे अनियन है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी लस्सी है, मैं लस्सी यूज़ कर रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए, वो ऑलरेडी सॉल्टेड है, इसलिए मैं नमक बाद में देख के चेक करूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब मैंने एक गाजर कट करके रखी हुई थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिलाएँगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से गाजर के साथ मिक्स हो जाएँ। और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि गाजर है जो हमारी कुक हो जाए। और अब हम इसे यहाँ पे ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो गाजर है वो कुक हो जाए। और इतनी देर हम तैयार कर लेते हैं लस्सी और बेसन का घोल कढ़ी बनाने के लिए। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, और यहाँ पर मैं बेसन के 3 बड़े चम्मच हैं बेसन के, वो ऐड कर रही हूँ। आप अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसके बाद लस्सी, इसका एक हम घोल बनाएंगे, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें लस्सी ऐड करूंगी, ताकि जो गुठलियाँ हैं वो ना पड़े। बस अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, घोल लूंगी, ताकि बिल्कुल जो गुठलियाँ हैं वो ना पड़े इसमें। तो यहाँ पे मैंने बेसन और लस्सी को अच्छे से घोल लिया है, और अब मैं इसमें और बाकी बची हुई लस्सी भी ऐड कर दूंगी और उसे अच्छे से घोल दूंगी। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बाकी पानी मैं जब कढ़ाई में इसको मैं मसाले के साथ ऐड कर दूंगी, उसके बाद यूज़ करूंगी और डालूंगी इसमें पानी। तो चलिए अब इसे हम डालते हैं कढ़ाई में। हमारी जो गाजर है वो भी कुक हो गई होंगी इतनी देर में। तो गाजर है वो भी अच्छे से कुक हो गई हैं, बस बाकी कढ़ी के साथ जैसे जैसे कढ़ी हमारी बनती जाएगी और कुक हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे गाजर को हाफ कुक ही किया है, और इसमें मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ देगी मिर्च कलर के लिए, ताकि थोड़ा सा कलर है वो कढ़ी में आए, तो इसलिए मैं यहाँ पे देगी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। और बस इसे अच्छे से मिला दूँगी। बस इसके मिलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने बेसन का और लस्सी का घोल बनाया था, मैं सारा ही इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी पानी। तो हम थोड़ा सा कढ़ी को चला देंगे। यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा कढ़ी का ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक उसमें एक अच्छा सा अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता। और कढ़ी को हम चलाते रहेंगे, क्योंकि जो गाजर है उसके नीचे लगने का डर रहता है। एक बार अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए, तो फिर हम कढ़ी को गैस की फ्लेम को कम करके ढक देंगे। तो अब मेरे को यहाँ पर कढ़ी में थोड़ा नमक है जो वो कम लगा, मैंने चेक किया था, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, तो मैंने वही ऐड किया है। और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर 7 से 8 मिनट के बाद कढ़ी में एक जो बॉयल होता है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो बस अब हम इसे वैसे बीच में भी हमें इसे चलाते रहना है, ताकि जो कढ़ी है वो बाहर ना निकल जाए कढ़ाई के। अब जैसे ये ऐसे उबाली आनी स्टार्ट होगी, तो हम इसे ढक सकते हैं, गैस की फ्लेम को कम करके हम इसे ढक देंगे। क्योंकि कढ़ी को हम जितने धीमे धीमे गैस के ऊपर पकाएंगे, उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे हम धीमे धीमे आंच पर कढ़ी को पकाएंगे और कढ़ी को हम प्लेट से ढक देंगे।
थोड़ा सा उसमें गैप छोड़ देंगे ताकि जो भाप बन रही है वो बाहर निकल पाए। अगर हमने इसको पूरा ही ढक दिया तो जो कढ़ी है आपकी वो बाहर निकल जाएगी कढ़ाई से और बाहर फैल जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा गैप रखना है उसमें। यहाँ पर कढ़ी को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं तो हम बीच में एक बार चेक कर लेंगे ताकि कि कढ़ी हमारी नीचे तो नहीं लगी। तो बस यहाँ पे मैं वही चेक कर रही हूँ, तो थोड़ा सा चला लेते हैं हम कढ़ी को। कढ़ी है वो बहुत अच्छे से पक रही है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैं अच्छे से मसल मसल के इसमें ऐड कर दूँगी ताकि जो डंडियाँ हैं वो ना जाएँ कढ़ी के अंदर। तो बस मैं वही ऐड कर रही हूँ इसमें। और कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हम कढ़ी में उसको अच्छे से मिला देंगे। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हम कढ़ी को दोबारा से वैसे ही ढक देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए और हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं कढ़ी को और पकते हुए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। बस कढ़ी हमारी यहाँ पे बनके तैयार है। गरम मसाला और धनिया डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कढ़ी बिल्कुल तैयार है, अब इसमें हमें और कुछ नहीं डालना। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।